सर आगे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है सर लॉकडाउन से रिलेटेड। लॉकडाउन में जैसा कि मैंने आंकड़े पढ़े हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे उनकी इनकम जीरो हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो मैंने ऐसा सुना है सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो काम करते हैं तो पैसा आता ही आता है, लेकिन अगर काम नहीं भी करते हैं तो भी पैसा आता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप लॉकडाउन में, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने महीने काम किए, जैसे लॉकडाउन 2-3 महीने के लिए रहा तो आपने उसमें से कितने महीने काम किए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उमेश जी, लॉकडाउन में मैंने सुना है और देखा भी है लोगों के इनकम बंद हो गए जी। लोग जो बिजनेस करते थे, नौकरियां छूट गई, बिजनेस करते थे वो बंद हो गए। यस सर, बहुत सारे लोगों के, मैक्सिमम लोगों के। लेकिन थैंक गॉड मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जो है, जब लॉकडाउन था लोगों के इनकम रुकते हैं, बंद होते हैं या डाउन होते हैं, और मेरे जो इनकम थे वो अप हुए लॉकडाउन में। लेकिन थैंक गॉड रोड पे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लिमन लिया, तुलसी लिया, आंवला जूस लिया और भी कई प्रोडक्ट्स हमने लिए, जिससे हम लोग को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। और लॉकडाउन के दौरान हमने जरा सा भी काम नहीं करा और आज लॉकडाउन में हम ठीक भी हो गए, कोरोना पेशेंट्स हम नेगेटिव भी हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो गए। और मैं खुश हूँ कि आज मैं लाखों रुपये का इनकम भी किया उस टाइम और अभी भी कर रहा हूँ। वाओ, मतलब सर आपका कहना यह है कि आप लॉकडाउन में काम करने के बजाय आप कोरोना से पीड़ित थे, उसके बावजूद भी आपकी इनकम आ रही थी। सर आप लॉकडाउन जो कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय सर आपकी महीने की इनकम लगभग कितनी थी सर? आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, मैं बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा। उस टाइम मेरी जो इनकम थी लाखों रुपए थी। फ्रेंड्स मैं जरूर स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, अगर हमें सर देंगे तो बिल्कुल दूंगा जी सर, बिल्कुल देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये लॉकडाउन में मतलब सर आप समझ पा रहे होंगे व्यूअर्स दोस्तों कि एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया, ये लॉकडाउन में कोरोना पेशेंट हो चुके थे, मतलब इनकी इनकम जीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनके नीचे टीम था डायरेक्ट सेलिंग का, इसके बदौलत इनमें लाखों रुपये इनकम जाता रहा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा उम्मीद से रुकूंगा, कोरोना का पेशेंट मैं था। यस सर, ये भारत सरकार के रिकॉर्ड में है। ओके, 16 अप्रैल को मेरी चेक हुई थी, आप देखेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा, अगर पॉसिबल है तो डाल दीजिएगा चैनल में। 16 अप्रैल को मेरा रिपोर्ट था जो अभी भी भारत सरकार के पास है, नेगेटिव पॉजिटिव था। ओके, और 1 मई 16 अप्रैल को 1 मई को मैं नेगेटिव हो गया था। ओके, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आपको लगता है शेयर करना है तो कर। ओके सर, ओके। अब सर आगे क्वेश्चंस है कि आप उसका आंसर एक लाइन में दीजिएगा ताकि उनको क्लियर समझ में आ पाए कि रूट प्योर में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं, इसका अगर एक लाइन में आंसर दिया जाए, कोई पूछ दे कि मैं रूट प्योर क्यों करूं, तो रूट प्योर में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं? चलिए एक लाइन में मैं आपको बता दूं, इनके रूट प्योर के जो डायरेक्टर्स हैं ना वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ओके, रूट प्योर के जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, और वो जो डायरेक्टर्स हैं ना वो हेलीकॉप्टर से उतर के नहीं आए, उनके जो डायरेक्टर्स हैं ना वो घीस के डायरेक्टर बने हैं, बने। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ऑन द दर्जे का है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर।